नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द वॉइस ऑफ कॉमन मैन न्यूज हिंदी एंड इंग्लिश। हमारे चैनल के चीफ एडिटर समीर कुरैशी के साथ आइए रुक करें इस वक्त की खास खबर की। तो क्या लगता है आपको, जिस तरह से ये सरकार जो है षड्यंत्र कर रही है सत्ता में बैठे लोग, तो क्या लगता है कि आने वाले 224 में वापस से जो इंडिया गठबंधन आएगा? इंडिया गठबंधन आएगा और तो समित जाएगा भी उधर तक, लेकिन अरविंद सावंत हैट्रिक करने वाले, ये तो काले पत्थर की रेस है। सर, जो बताया गया ईवीएम के ऊपर काफी लोग चर्चा कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? ईवीएम के बारे ईवीएम कैंसिल करेंगे, बैलेट पेपर पे इलेक्शन होना चाहिए। अभी हर जगह, हर वर्ल्ड में सब जगह चालू है, अपने इतना लोकतंत्र, बड़ा लोकतंत्र है अपना इंडिया का लोकतंत्र है, उधर बैलेट पेपर पे लेना पड़ता है। कंप्यूटर पे ये लोग सब घपला कर रहे हैं, इसके लिए मशीन का वोटिंग ये कैंसिल होना ही चाहिए। आपको क्या लगता है कि ईवीएम बंद हो जाएगा? नहीं, अभी तो इलेक्शन तो जारी हो गया है, अभी इलेक्शन के डेट भी आ गए, अभी बैलेट पेपर पे करने के लिए बहुत सारा टाइम जाएगा, लेकिन होना तो चाहिए। चुनावी बॉन्ड का जिस तरह से लेके एक पर एक पे एक पर एक बातें खुलती जा रही है, उस पर क्या कहना है? अभी जनता की सामने से आने वाली है, अभी आचार संहिता लगी हुई है, नीति लोग को ब्रेक वगैरह, अभी जनता की आवाज आई। हमारे साथ विभाग प्रमुख महिला मौजूद है, हम इनसे भी जानना चाहेंगे। मैडम, आपका पहले आप नाम बताइए। मेरा नाम युगंधरा यशवंत सालेकर, दक्षिण मुंबई विभाग संगठिका और माजी नगर सेविका। जी, आज उदय साहब आए थे यहाँ पे आके उन्होंने संबोधित किया, क्या कहेंगे उस बारे में? अभी जो देश में हुकुम से राजवट चालू हो गई है और लोगों को कितना फंसा रहे, लोग इतना अडानी नहीं है कि लोग को सब समझते है, इसके वजह से उद्धव जी ने बोले। और लोगों को अभी 5 साल में कैसा राज आएगा ये भी सबको मालूम है, इसके लिए जन जागृति कर रहे हैं कि आप आगे का सोचो कि कौन सा उम्मीदवार चुन के देने का है और उद्धव जी का सपोर्ट करने का है। अच्छा, देखा गया है कि जो चीन था अपना तीर कमान, उसके बदले अब चीन बदल गया, क्या कहेंगे इस बारे में? कुछ हर एक गली गली के लोगों को मालूम है उद्धव जी बालासाहेब ठाकरे और निशानी है मशाल। तो, हाँ, तो सब लोगों को मालूम है उद्धव साहब ने जो कोरोना काल में जो काम किया है वो सबको सहानुभूति है। और मेरे को लगता है भगवान ने उनको 2 साल में भेजा होगा मुख्यमंत्री करने के लिए, इसके लिए अपन आज पूरे आमने सामने खड़े, वो उनकी मेहरबानी है उद्धव साहब को मुख्यमंत्री बिठाने के लिए। और अभी जो सब बोल रहे है हम ये किया वो किया वो किया, वो 2 साल जब कोरोना का काल चल रहा था वो टाइम में वो चूहे किधर थे, अभी रास्ते पे कोई वो नहीं दिख रहे थे, पूरा शिवसेना का टीम रस्ते पे काम कर रही थी, हमारे सब शिवसेना का एम्बुलेंस काम कर रही थी। तो हम लोग को इतना भगवान का मेहरबानी समझते हैं कि और 2 साल भगवान ने उनको मुख्यमंत्री सीट पे बिठाया होगा, इसके लिए पूरा महाराष्ट्र अभी स्थिर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुंधति दूधवरकर, माजी नगर सेविका। जी, कहिए क्या कहेंगे? आज उदय साहब आए थे, इन्होंने यहाँ पे आके संबोधित किया, लोगों को बताया, अरविंद सावंत साहब के बारे में बताया, क्या कहेंगे उसके? उद्धव साहब का हमारा एक ही महत्व है कि अभी हमारे जो अरविंद सावंत जी खड़े हैं उनको बहुमत से जिता के देना है, और उद्धव जी का काम 2 साल में है, और जो हमारे कार्यकर्ता शिवसैनिक जो काम कर रहे हैं शाखा शाखा में, उसके लिए हमको लगता है कि अरविंद सावंत जी आएंगे जीतने। देखा गया ईवी मशीन को लेके काफी लोग चर्चित में, उस बारे में क्या कहेंगे ईवी मशीन के बारे में? ईवी मशीन के बारे में भी हम लोग क्या बोल क्या सकते, मशीन में कुछ गड़बड़ा हो, इसके लिए हम लोग बोल रहे थे कि कागज के पत्रों से अपना इलेक्शन हो जाए तो अच्छा रहता था, लेकिन अभी ईवी मशीन के बारे में अभी क्या करेंगे, अभी लोग जो मत देंगे तो हमको तो मालूम है हमारे उद्धव साहब के पीछे ही सब जन है, और हमारे अरविंद सावंत जी ये बहुमत से जीत के आएंगे, जो भी सामने कोई खड़ा होगा उसका तो मेरे को लगता है बस इस तरह गुल हो जाएगा। बम्बई में आपको सबको मालूम है बम्बई तो पूरा खाली होता है मई महीने में, ये जान बूझ के उनको मालूम है कि सब टाइम लिया गया, ये देखो ये कितना हुक्म चाहिए, तो ऐसा लोगों को भी मालूम है, लोग भी इतना अड़ाने नहीं, लोग आएंगे वोटिंग करेंगे और उद्धव साहब को बहुमत से चुन के देंगे। बहुत बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ शाखा प्रमुख मौजूद है, सर क्या कहेंगे आज आप, कितनी खुशी है आपको आज यहाँ पे उदय साहब आए? ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारे भगवान इधर आए जी, 77 में बाला साहब ठाकरे इधर आए थे, वो आनी बानी का टाइम था, आज वही आनी बानी का टाइम ही समझिए, उद्धव जी यहाँ पर आए हैं, उन्होंने संबोधित किया है पूरे जनता को, और डेफिनेटली उद्धव जी के कहने से अरविंद सावंत जी के काम से अरविंद सावंत जी यहाँ पर जीत कर आएंगे, ये हमें यकीन है। देखा गया इसके पहले बाल ठाकरे साहब आए थे काफी वर्षों पहले,
आज उनके बाद उनके सुपुत्र आए, कितनी खुशी हुई आपको उनके आने से? यहाँ खुशी का हम आपको अंदाजा नहीं बता सकते, क्योंकि हर एक जन इतनी भीड़ अब पूछो मत। पूरा एरिया कवर किया गया था, बाहर से देख रहे, बिल्डिंग से देख रहे, अभी खुशी का अंदाजा बताए कैसे आपको, लेकिन बहुत खुशी हुई। हमारे भगवान हमारे मंदिर में आए, हमें आशीर्वाद दिया, और इससे बेहतर हम क्या बोल सकते हैं। क्या तैयारी आगे की अब इलेक्शन के बारे में? अभी जैसे इलेक्शन के बारे में पूरी तैयारी शुरू की है हम लोगों ने, जैसे हम लोग ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले हैं। शिवसेना ये ग्राउंड लेवल पे काम करती है, गट प्रमुख, उप शाखा प्रमुख, शाखा प्रमुख, ये सब एकजुट होते हैं। यहाँ पर पद है लेकिन वो सब मिलजुल के काम करते हैं, जैसे के नेता, उपनेता, सब यहाँ पर हमारे उपनेता है अरुबाई दुधवड़कर है, बाफना साहब है, हमारे विभाग प्रमुख है संतोष शिंदे साहब, हम लोग सब मिलजुल के ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, सब एक साथ होकर काम कर रहे हैं, और जरूर हम लोग अरविंद सावंत जी को जिताएंगे। तो ये थे यहाँ के शाखा प्रमुख जिन्होंने कहा कि हम अरविंद साहब को जो है जिताएंगे। हमारे साथ शिवसेना के शरीफ देशमुख साहब मौजूद है। सर आज यहाँ पे उदय साहब आए थे और वहाँ पे इन्होंने अपना कुछ लोगों का व्यक्त भी बताया, क्या कहेंगे इस बारे में? उसी हिसाब से हर विधानसभा के अंदर, मुंबई के अंदर और हर शाखा की ये करने के लिए आ रहे हैं, मुलाकात करने के लिए। वैसे हमारी शाखा 223 ये है संडे रोड पे, वहाँ पर सारे लोगों से मुलाकात करने के लिए, और हमारी महिलाएं, हमारे पुरुष है, मुसलमान भाई है। आगे उन्होंने ये भी बताया कि अरविंद साहब जो है मौजूद है, उनको भी अपनी बार टिकट दिया गया, उसके बारे में भी उन्होंने कुछ कहा, क्या कहा? हाँ, उन्होंने बिल्कुल कहा ना कि भाई ये दो मरतबा तो जीत कर आ चुके हैं अरविंद साहब जी। अभी हमारे को हमारे जैसे शिवसैनिक कार्यकर्ता है ना, उनको कहा गया कि अभी आप लोग ध्यान दे सको, और इस ए टर्म्स के अंदर अरविंद साहब को जिता के लाना है। तो सब लोग निकले, शिवसैनिक है चाहे हमारे हिंदू भाई है, हमारे मुसलमान, हमारे बहने है, सब इफ्तार करके, इस रोजे के इफ्तार करके उद्धव साहब को सुनने के लिए यहाँ पर आई, और उन सब लोगों ने वादा किया इस बार थर्ड टाइम में जो है ना हैट्रिक अरविंद सावत साहब भी आएंगे। हमारे साथ एक मौजूद है शाखा संगठन सुफिया शेख मौजूद है, क्या कहेंगे? और आज उनकी पहली बार यहाँ पर हुई है तो हम लोग बहुत अच्छा लगा। पहली बार तो यहाँ पर हर लोग के, हर कौम के लोग आपने दिखे हुए, जैसे मुसलमान है, सिख है, क्रिश्चियन है, सारे लोग यहाँ पर है सिर्फ ये देखने के लिए, एकता दिखाने के लिए। ये कोई ये नहीं कि कोई वोट मांगने के लिए, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन एकता दिखाने हैं कि हम सब एक है और हम एक ही चीज के लिए लड़ रहे हैं, जो है एकता के लिए और न्याय के लिए और डेमोक्रेसी बचाने के लिए लड़ रही है। हमारी जो चल रही है वो डेमोक्रेसी बचाने के लिए, और हम लोग वो बचा के ही रहेंगे। और जो ये जो ईवीएम का चल रहा है, तो हमारे बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वकील है, वो लड़ रहे हैं इसकी लड़ाई, आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन जो हम तो है वो सब बचा रहे हैं। यानी कि पार्टी के साथ में जुड़े हुए तब भी, हम पहले भी थे और अब भी और आगे भी रहे। क्या लगता है अगली बार कौन आएगा हमारे यहाँ से? बट ऑब्वियस अरविंद सावंत फॉर श्योर। आपको पूरा यकीन है कि वो 100%? बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? क्या कहेंगे आज आप आए यहाँ पे? ठाकरे जो आए थे, उन्होंने जो भी इलेक्शन में उनका अपकमिंग इलेक्शन आने का, उसके लिए रिक्वेस्ट जैसे कि उनको की बार उनको लाना है इंशाल्लाह। वॉइस कमांड मैन के साथ मकसूद शेख, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, समीर कुरैशी।